दोस्तों आज हम आपको बताएंगे स्टेडियम के बच्चे क्या टेक्निक होती है दौड़ने की जिनसे उनकी लंबी रेस में भी गला नहीं सूखता, और आप रनिंग से पहले क्या चीज़ें पी सकते हैं जिनसे आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे और साथ ही आपका रनिंग के टाइम पे गला भी नहीं सूखेगा। अगर हम बात करें 5 किलोमीटर जैसी लंबी रेस के लिए तो इसमें बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हर बच्चों में आती है जो कि गला सूखने की है। इसके लिए हम एक नॉर्मल सॉल्यूशन कह सकते हैं कि आप मुंह बंद करके भागिए, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि रनिंग के टाइम पे हम इतनी ज़्यादा थक चुके होते हैं, मुंह खोलना एक कॉमन सी चीज़ है, और जब भी हम मुंह खोल के रनिंग करते हैं तो हवा हमारे गले से टकराती है और हमारा गला सूखने लग जाता है। इसलिए आप जब भी रनिंग स्टार्ट करें एटलीस्ट स्टार्टिंग से आप 2.5 किलोमीटर तक आप जो है अपना मुंह बंद करके रनिंग करने की कोशिश करें, क्योंकि उसके बाद जो है हमारी सांस बहुत ज़्यादा फूलने लग जाती है तो आप अपना मुंह खोल सकते हैं। तो एक ये भी एक टेक्निक है जिसकी सहायता से आप काफ़ी देर तक बिना गला सूखे रनिंग कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं हम क्या क्या चीज़ें रनिंग से पहले पी सकते हैं जिनसे आपके रनिंग के टाइम पे गला सूखने की प्रॉब्लम नहीं होगी। इलेक्ट्रोल एक ऐसी कॉमन चीज़ है जो मोस्टली बच्चे पानी की कमी को पूरा करने के लिए स्टेडियम में लेते ही हैं और इससे बहुत बेनिफिट मिलता है, बट जब भी आप इलेक्ट्रोल लें सही क्वांटिटी में उसमें पानी मिलाएं। पानी अगर कम होगा तो इससे आपका पेट दर्द भी हो सकता है। नॉर्मल जो एक 18 रुपये का इलेक्ट्रोल आता है वो 1 लीटर के लिए होता है, और साथ ही जो एक 4 ग्राम का इलेक्ट्रोल आता है वो 1 गिलास पानी के लिए होता है। सेकंड नंबर पे है हमारा ग्लूकोन-डी। ग्लूकोन-डी तो आप सभी ने पिया ही होगा, बट ये इलेक्ट्रोल की कंपैरिजन में रनिंग करने वाले बहुत ही कम यूज़ करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा एनर्जर, ये भी सेम इलेक्ट्रोल की तरह ही है, ये भी आपको 18 से 30 रुपये में मिल जाएगा। इसका टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन होता है पीने में, और ये भी बेस्ड है ORS फॉर्मूले पे। हमारा लास्ट वन है ORS, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर सिप्ला कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये भी ORS फॉर्मूले पे बेस्ड है, बस ये इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा होने के कारण इसका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आपको जो भी इनमें से मार्केट में इजीली अवेलेबल मिले वो आप ले सकते हैं, बट पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना है रनिंग के टाइम पे, वरना आपका पेट दर्द भी कर सकता है।